हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता. दिस इज़ वीडियो टू ऑफ योर 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1. इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप सब जानते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पैसा कमाने के लिए की जाती है, बेसिकली बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं. इस वीडियो में हम दो एस्पेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे. एक, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के कंसेप्ट को समझेंगे. नाउ फर्स्ट स्लाइड, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, बिजनेस क्या है? बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और पैसा कमाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, वी जनरली प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज. जहाँ तक गुड्स का सवाल है, वो दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक मैन्युफैक्चर करके और एक एक्सचेंज की फॉर्म में, इन द सेंस कि पहले खरीदा और फिर आगे दिया. इसको कॉमनली ट्रेडिंग कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस जो है वो मेनली प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, और इसमें दो चीज़ें मेन आ गई. अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, तो या तो हम मैन्युफैक्चर करके गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, या फिर हम उनको किसी और से खरीद के फिर आगे डिलीवर कर रहे हैं. जब हम खुद मैन्युफैक्चर करके कहते हैं, तो उसको इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, फैक्ट्री भी कह सकते हैं. और जब हम खरीद के दे रहे हैं, तो बेसिकली उसको कई बार एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी लिखा होता है, नहीं तो प्रैक्टिकली वो एक ट्रेडिंग है. इसके अलावा सर्विसेज भी हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, बैंकिंग है, इवन हमारी कोचिंग भी सर्विसेज में आती है. तो ये सारे हो गए आपके कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, राइट? अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं. सबसे पहले एल आर डिक्सी की डेफिनेशन है दैट बिजनेस, ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन कह रही है, बिजनेस इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी परस्यूड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट. ये मैं सबसे पहला पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ये इन्होंने सबसे मेन बात कही, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हूज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड. किसके बिहाफ पर की जा रही है? जो कंपनी के मालिक हैं, ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है, प्रोप्राइटर. तो जो लोग मैनेजर्स हैं बिजनेस के, उनका ये ऑब्जेक्ट होता है, वो ऐसा करना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट कमाएं. जिसने पैसा लगाया है उसको कुछ पैसा कमा के दें, तभी तो उनकी भी सैलरी मिलेगी ना. अगर आज आप एक कंपनी में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको सैलरी मिलने के लिए भी तो ज़रूरी ना कि कहीं ना कहीं आप कुछ प्रॉफिट कमाएं. अगर आप वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं ठीक से, तो कंपनी के लिए देखा जाए तो मोर और लेस यू आर यूजलेस. अगला पैराग्राफ अगर ध्यान दें, तो इसमें लिखा है, बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स मैंने कहा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न अ लिविंग. पैसा कमाने के लिए या लिविंग, लाइवलीहुड. कोई भी आदमी है, उसके खर्चे होते हैं, घर है, परिवार है, पैसे तो चाहिए ना. हाउएवर प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. देखिए, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, बट ओनली ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है. बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि दूसरा पैराग्राफ बता रहा है, इट मे हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे प्रमोशन और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक. होता ना, बहुत सारी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशंस देती हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, अगर हो पाए तो उनको फूड एंड अदर जो है एक तरह से स्नैक्स वगैरह देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं उनकी प्रमोशन के लिए, उनको एजुकेशनल कोर्सेज के लिए प्रमोट करते हैं, हो सकता है तो उनके लिए स्कूल्स भी खोलते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए. तो इस तरह से एम्प्लॉय वेलफेयर, जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बिजनेस के अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑब्वियसली द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट वेल्थ. किसी भी बिजनेस का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और वेल्थ क्रिएट किया जाए. वेल्थ का मतलब एसेट्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, लैंड्स, बैंक बैलेंसेस, वेल्थ क्रिएट की जाए. दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात करें, तो डेफिनेटली सबसे पहला पॉइंट यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, है ना. बेसिक टेस्ट यही है, कोई भी एक्टिविटी को हम बिजनेस तभी मानेंगे जब उसमें हमारा ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना. अगर मैं सड़क पर खड़े होकर 1 रुपये का पानी का गिलास बेच रहा हूँ, तो वो भी ब्रॉडली बिजनेस है.
लेकिन अगर मैंने एक प्याऊ टाइप कुछ लगाया हुआ है और जो भी आता है राहगीर, मैं उसको प्यार से नमस्कार करके हरे कृष्णा करके उसको पानी पिलाता हूँ, एक ग्लास फ्री, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पैसा कमाने का, देन इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? सो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर चैरिटेबल पर्पज, वो बिजनेस नहीं माना जाता। दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। देखिए ये गुड्स से रिलेटेड है मेनली। गुड्स के अंदर यही होगा, या तो आप एक फैक्ट्री खोलेंगे और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योरमेंट का यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब है वो ये, वैसे प्रोक्योरमेंट जो है वो नेचुरल जैसे कोई माइंस है वहाँ से गुड्स को निकालना भी प्रोक्योरमेंट है, बट यहाँ जिस सेंस में बुक्स में यूज़ किया गया वो ये कि जैसे आपने दूसरे से कोई माल खरीदा, प्रोक्योर किया, सपोज मेरे पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है या बड़ा ऑर्डर है और मैंने चार अलग अलग फैक्ट्रियों से गुड्स को इकट्ठा किया और आगे मैंने डिलीवर कर दिया, इट इज़ ऑल्सो प्रोक्योरमेंट। सो इन ब्रीफ यू कैन से दैट प्रोडक्शन इज लाइक स्टार्टिंग अ फैक्ट्री और रनिंग अ फैक्ट्री, वाइल प्रोक्योरमेंट इज ट्रेडिंग अ गुड्स, दूसरे का बनाया हुआ माल आपने लिया और आगे बेच दिया, दैट इज प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा फिर सर्विसेज भी हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना? सो बिजनेस में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्चुअली बिजनेस में याद रखिएगा गुड्स भी बिजनेस है और सर्विसेज भी बिजनेस है। मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल लिया इसका, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रही हैं, बैंक सर्विस दे रहे हैं, मैं खुद आपको कोचिंग दे रहा हूँ, बच्चे फेस टू फेस भी पढ़ते हैं, वीडियो क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं, है ना, ई शिक्षा भी ले रहे हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है तो मैंने ई शिक्षा मोबाइल्स के थ्रू भी देना शुरू कर दिया, बिकॉज हर किसी तक पहुंचना संभव नहीं है। मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ और बच्चे ऑल ओवर इंडिया पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए मोबाइल ऐप्स के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दिया, ई शिक्षा देनी शुरू कर दी। बट एज सच जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये सब क्या है, सर्विस है, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई गुड्स नहीं दे रहा आपको, तो ये सर्विसेज में आता है, राइट? डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, मोर और लेस वही चीज़ अब रिपीट हो रही है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है, तो मैं अब इस पर और फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। बिजनेस डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ तक इसमें जो कवर किया गया पॉइंट्स ये है कि गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स तो हो गया जैसे मैंने कोई भी चीज़ ली और खाली शर्ट है, कंज्यूमर गुड्स है, लिया और पहन लिया, मोबाइल है, यूज़ कर रहा हूँ, और एक है कि मैं मशीन बेच रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर गुड्स है, यानी वो प्रोडक्ट्स जिससे दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। रॉ मटेरियल भी ऐसा ही है और मशीनरीज भी ऐसी हैं। सर्विसेज तो फिर इंटेंजिबल्स ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, राइट? ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, फोर्थ पॉइंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट। देखिए जब आप बिजनेस करते हैं तो पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के लिए आपको अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना होगा। चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, तो जब कस्टमर आ रहा है उसको बढ़िया खाना खिलाएंगे तब वो सेटिस्फाई होकर जाएगा। अगर वो गाली देके गया तो ठीक है, पैसे तो आपके देके जाएगा, परेशान होकर गया, अगली बार शायद वो आएगा नहीं और दस को और बोलेगा उस रेस्टोरेंट में मत जाना। ऐसे ही हर चीज में है, दिस रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग, है ना? बार बार मैं अपनी कोचिंग का एग्जांपल नहीं लेना चाहता, लेकिन मोर और लेस इसमें भी यही होता है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ सर मेरी केयर करते हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो सर एक्सप्लेन करते हैं वो मेरे को समझ में आता है, तो वो दूसरे स्टूडेंट को भी एक टाइम शायद बोले कि यार आप भी नीरज सर से पढ़ के देखो या ABCD किसी भी सर से पढ़ के देखो, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो हो गया नहीं काम। सो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, जो भी जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं उसकी एक सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो ओनली पर्सनल कंजम्पशन के लिए है तो वो फिर बिजनेस नहीं है, है ना? जैसे आप खाना बना रहे हैं खुद के खाने के लिए तो वो कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना बना के बेच रहे हैं तो वो बिजनेस है। तो कस्टमर, पैसे के लिए जो आप काम कर रहे हैं वही बिजनेस में आता है। पर्सनल लेवल पर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एक्टिविटी है वो बिजनेस की डेफिनेशन में आती ही नहीं। रेगुलर डीलिंग्स, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं एक आदमी है, उसने अपनी कोई पुरानी ज्वेलरी उठा के किसी को बेच दी, तो ये कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन एक ज्वेलर अगर ज्वेलरी बेच रहा है तो वो बिजनेस है। आपके जो स्लाइड नज़र आ रही है आपके स्क्रीन पर, उसमें एग्जांपल स्कूटर का दिया, एक आदमी ने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया, ये कोई बिजनेस नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट ए रेगुलर डीलिंग। लेकिन अगर एक आदमी सेकेंड हैंड स्कूटर्स में ही डील करता हो, वो तो वो क्या करेगा, बाई सेल ऑफ स्कूटर्स करेगा या कमीशन पर काम करेगा, वट एवर, दैट इज़ अ बिजनेस। तो रेगुलर डीलिंग किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी है, उसके बिना उसको हम बिजनेस नहीं मान सकते, राइट? देन प्रॉफिट मोटिव, ये तो है ही, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने इस लाइन को हाईलाइट भी किया है। अ बिजनेस दैट डज नॉट अर्न प्रॉफिट्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ज्यादा समय नहीं चल सकता वो, ये तो है ही। पैसा तो भाई कमाना ही पड़ेगा, बिना पैसा कमाए काम नहीं चल सकता, यू हैव टू अर्न गुड मनी, दैट इज़ अ बेसिक रूल। पैसा कमाओगे तभी आप एक्सपैंड करोगे, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आप सर्वाइव करोगे। कई बार तो ये भी होता है कि अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो, शुरू शुरू में आप जोश जोश में पैसा डालते हैं और अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट मनी नहीं आ रही है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते, दैट प्रॉब्लम इज डेफिनेटली देयर। तो इन दैट सिचुएशन कैसे होगा आप बताइए, काम चल ही नहीं पाएगा आपका।
सो काम चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट कमाएं। जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लॉन्ग रन में आपको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए सैलरीज देने के लिए और असेंशियल बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, समटाइम टैक्सेस होते हैं, सब चीज़ों को देने के लिए यू नीड प्रॉफिट्स, यू नीड मनी। विदाउट दैट नथिंग इज़ पॉसिबल। अनसर्टेनिटी भी बिजनेस का एक फीचर है, अनसर्टेन होता है। आज हमने बिजनेस किया, हम तो अपनी तरफ से अच्छी, माना सपोज मैंने रेडीमेड गारमेंट्स बनाए तो मैं तो ये सोचूंगा ना बड़े अच्छा लेटेस्ट फैशन है, लोग खरीदेंगे, प्रॉफिट होगा, है ना। मैंने कुलचे बेचने शुरू किए, है ना, संता बंता के छोले भटूरे, या मैंने कुछ भी नया बिजनेस शुरू किया, मैंने कुरियर कंपनी खोली, मैं उस वक्त तो मैं यही मार्केट स्टडी करूंगा, मुझे लगेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा काम चलता है, इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, और पता चला कि भाई मेरी किस्मत बाय द वे उतनी अच्छी नहीं है और लोग नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो अनसर्टेनिटी होती है। समटाइम हम कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाते, जो बात मैंने इसमें हाईलाइट की है, लॉस तो होता ही होता है, जो हमने पैसा लगाया हम सोचते हैं कि चलो वो वापस आ जाए, कई बार तो वो लगाया हुआ पैसा भी वापस नहीं आता, क्या कर लोगे आप। द थिंग्स गोज लाइक दिस, द थिंग्स आर नॉट इन आर हैंड, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात साफ है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन आर हैंड्स, बस भगवान भरोसे चीज़ें चलती हैं, कोई उसका इलाज नहीं है, है ना। कुछ चीज़ें हैं मेहनत करके, ऐसे हम अगर कुछ बिजनेसमैन के एग्जाम्पल देखें तो वो लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, कई बार वो किसी नए वेंचर में डालता है, वही सक्सेसफुल आदमी, वही मेहनत सब कुछ वो किसी नए वेंचर में करता है, फिर आने वाले में बहुत पैसा कमाया तो उसमें लॉस कर देता है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आज रिलायंस, बिरला, टाटा ये बहुत सक्सेस है, लेकिन इनकी हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, हर वेंचर सक्सेसफुल हो, नहीं पॉसिबल, नथिंग, नोबडी कैन से इट विद गारंटी कि भी प्रॉफिट ही होगा। सो अनसर्टेनिटी इज डेफिनेटली देयर। रिस्क एलिमेंट, वही बात, रिस्क है ना, किसी भी वजह से रिस्क है। अब बहुत सारे के रिस्क जो हैं अगले पेज पर डिस्कस किए गए हैं, जैसे सबसे पहले नेचुरल क्लामिटीज, अचानक फायर हो जाती है, कोई चोरी हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, फ्लड्स, अर्थक्वेक, तो ये इस तरह की चीज़ें कि आपके बिल्कुल बस में ही नहीं है, यू कैन नॉट हेल्प इट, लॉस होगा तो होगा, है ना। या अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है, अब मान लेते कोई सिंगर है, अब वहाँ तो उसको तो थेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, उसकी थोड़ी चोरी हो जाएगी, लेकिन उसका हो सकता है सिंगर है गला ख़राब हो जाए किसी वजह से, चाहे थोड़े दिन के लिए हो सकता है उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाए, कोई बड़े शो में वो जाने वाला उसमें ना जा पाए, तो प्रॉब्लम्स मे अराइज। तो रिस्क एलिमेंट इज ऑलवेज देयर इन एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन। बाकी बिजनेस के एंगल से ज़्यादा ये डिस्कस किया जा रहा है तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, नोकिया फोन्स पहले बहुत बिकते थे, अब नहीं बिकते, पहले कोडेक कैमरा बहुत बिकता था, लेकिन अभी क्या हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, लोग उसी में यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पुरानी कंपनीज फेल हो गई, नहीं तो ये बदलता वक्त है। आज इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कल हो सकता है एक नई कंपनी आ जाए जो सोलर पावर के लिए कोई इक्विपमेंट दे, छोटे मोटे इक्विपमेंट छत पे लगा और उसी से ही आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको जो कंज्यूम करनी है वो जनरेट हो जाए, यू नेवर नो इन दैट सिचुएशन। ये कंपनीज तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, अभी ड्राइवरलेस कार्स की बातें आ रही हैं ऑलवेज, फिर कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है, नहीं पहले लोग दुकान से खरीदते थे, चेंज हो गया कल्चर, कस्टमर टेस्ट, उसको बिग बाजार टाइप बड़ी शॉप्स पे जाके खरीदना अच्छा लगा कि यार वहीं पे सारे मिल रहे हैं, अब वो भी चेंज हो रहा है, अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, कम्फर्ट भी है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पार्किंग ब्लूज नहीं है, कस्टमर का चेंज हो रहा है ना टेस्ट। फैशन तो फिर आपको पता ही, हमेशा ही चेंज हो जाता है, कभी कपड़े छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी कलरफुल हो जाते हैं, कभी सिंपल हो जाते हैं, चेंज होता रहता है फैशन। हर चीज़ में यही है, किसी भी चीज़ में ट्रेंड चेंज होता रहता है, और ये बिजनेस को फिर झटके झेलने पड़ते हैं। जब तक प्रॉफिट है कंपटीशन बढ़ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन कोई बहुत बड़ा ब्रांड आपके बराबर में आके स्टोर खोल देता है, नेचुरली वो शुरू में कस्टमर्स को खींचने के लिए बहुत लो प्राइस ऑफर कर देता है, अब क्या करोगे, है ना। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है समटाइम्स, किसी पर्टिकुलर इलाके में लेबर प्रॉब्लम हो गई, कोई बहुत बड़ी दिल्ली में फ्लड नहीं आई, दूसरी जगह फ्लड आ गई, या किसी शहर में जिसमें आप वहाँ नहीं हुई दूसरी जगह प्रॉब्लम हो गई, उससे क्या हो, रॉ मटेरियल आने में प्रॉब्लम हो गया, या जैसा फिफ्थ पॉइंट दिया पुअर रिलेशंस, मैनेजमेंट और वर्कर्स में कोई फाइट हो गई, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने अचानक आपकी मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी कि नहीं ये आइटम पर्टिकुलर जो है पॉल्यूशन कर रही है तो आप इसको लेके जाओ यहाँ से, शिफ्ट करो, छोटे इलाके में जाओ, रूरल एरियाज में जाओ, अचानक गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, यू कैन नॉट हेल्प इट, यू जस्ट कैन नॉट हेल्प इट, आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, शिफ्टिंग करोगे, जमा जमाए कस्टमर, जमे जमाए लेबर, सब चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। गवर्नमेंट को तो कुछ खास नहीं फर्क पड़ने वाला है, उनके लिए तो ठीक है, वो तो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, उनसे कोई इंटरव्यू लेगा तो वो तो यही बोलेंगे हम तो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए ही होता है,
लेकिन सिर्फ उस एक दो व्यक्ति या जो भी थोड़े व्यक्ति जिनकी वो इंडस्ट्री वहाँ लगी हुई होती है और वो समय से काफ़ी समय से उसको कमा रहे होते हैं, उनको बस दिक्कत आ जाती है। यही होता है बदलता हुआ वक्त, और यही है रिस्क एलिमेंट इन द बिजनेस। जहाँ तक सवाल है बिजनेस का, एक ये भी फीचर है कि इसमें यूटिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। तीन तरह की यूटिलिटीज़ जो है वो डिस्कस की गई हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है फॉर्म यूटिलिटी, यानी जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म चेंज हो गई है ना, शुगर केन शुगर में कन्वर्ट हो गई, पोटैटोज वेफर्स में कन्वर्ट हो गए, टमाटो टमाटो कैचअप में चेंज हो गई, ऐसे कोई भी चीज़ फॉर्म चेंज कर लेती है और उसकी उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। या फिर प्लेस यूटिलिटी, अब जैसे मैं अभी फेस टू फेस क्लास जब ले रहा था तो मैं बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि भाई नारियल है, अभी हम लोग दिल्ली से, मैं जैसे मैं दिल्ली में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिल्ली में तो नारियल होते नहीं, ये तो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। अब क्या है फॉर प्लेस यूटिलिटी, वहाँ से माल उठ के इधर आ जाता है, या मान लेते हैं कुछ इस तरह के टिपिकल फ्रूट्स हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हिली एरियाज़ में होते हैं, लाइक एप्पल्स हैं या और शिप, वहाँ से चेंज होके वो इधर आ जाता है, तो यहाँ पर भी सामान मिल जाता है, तो यूटिलिटी इंप्रूव हुई ना, प्लेस यूटिलिटी। वही चीज़ वहाँ पर शायद बहुत सस्ते की बिकेगी या उतनी कंज्यूम भी नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ दिल्ली जो है बिग सिटी है, वहाँ से माल उठ के इधर आ जाता है तो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह से टाइम यूटिलिटी, अब आजकल कोल्ड स्टोरेजेस का ज़माना है, जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, फिर सीजन हो या ना हो सारे साल वो चीज़ें मिलती रहती हैं, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टाइम यूटिलिटी, राइट। तो बिजनेस के अंदर ये यूटिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, राइट। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या है? इट्स बेसिकली रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज। जैसे एक डॉक्टर है, पर्सनल सर्विसेज दे रहा है, क्यों दे रहा है? बिकॉज ही हैज़ द प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग भी ली है, MBBS की पढ़ाई भी की है और उसके पास नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, नीम अकीम खतरों जाननी है, वो MBBS है प्रॉपर, राइट। ऐसे ही एक वकील है, उसने बकायदा LLB की है, LLM किया है, ट्रेनिंग लिया है, नाउ ही हैज़ द एक्सपीरियंस, नॉलेज है, ट्रेनिंग ली है, देन ही इज़ डूइंग सम सर्विस। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एंड दिस इंजीनियर्स है ना, डॉक्टर्स, दीज आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशन। फीचर्स की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ये नहीं कि इनका कोई रोज नई किताब लिखी जा रही है। आमतौर पर जिसको वकील बनना है, जिसको एडवोकेट बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उनके सब्जेक्ट्स मोर और लेस फिक्स हैं, उनको जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जाने हैं, जो चीज़ें सिखाई जानी हैं, वो प्री डिफाइंड है, एक तरह से वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे बन गए हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस के बाद डेवलप किया गया। अब उनमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, वो आराम से अपना चलते रहेंगे और जिसको भी पढ़ना है मोर और लेस वही सब चीज़ें सेम पढ़नी है, सीखनी है, और जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है उसके अंडर थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होती है ना, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई करना सीख जाता है और उसके बेसिस पे वो एक प्रोफेशनल कहलाता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है बाई क्वालिफिकेशन हर प्रोफेशन में, चाहे वो LLB हो, चाहे वो आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना हो, आपको कोई एग्जाम पास करना पड़ता है और जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अंडर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ये दोनों चीज़ें एक प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके बिना आपको प्रोफेशनल नहीं माना जाता। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यही पॉइंट मोर लेस रिपीट हुआ है। और फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशन। प्रोफेशनल बॉडी होती है एक, जैसे अगर हम LLB की बात करें लॉ की, तो उसमें एक बार काउंसिल होती है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वहाँ एक मेडिकल एसोसिएशन होती है। हम CA की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक इंस्टीट्यूट है, CS का भी इंस्टीट्यूट है। तो उनकी एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उनकी मेंबरशिप देती है आफ्टर यू क्लियर योर एग्जाम्स, आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग। ये दो चीज़ें होने के बाद वो आपको अपनी मेंबरशिप देते हैं, जिसके सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आप एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करके काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में। एक एथिकल कोड भी होता है जो प्रोफेशनल्स पे एप्लीकेबल होता है, भाई आप किसी को चीट नहीं करोगे, खुलेआम इस तरह से अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करोगे, रीजनेबल फीस चार्ज करोगे, मिसबिहेव नहीं करोगे, है ना, सोसाइटी में कोई नया क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं क्रिएट कर दोगे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, एथिकल कोड है उनके ऊपर जो उनके बिहेवियर के बारे में रहता है, और अगर आपने वो ठीक से नहीं किया तो जो प्रोफेशनल बॉडी की मैं पीछे बात कर रहा था वो आपकी मेंबरशिप सस्पेंड भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, दोनों ही बातें इसमें रहती हैं। यानी कि प्रोफेशनल्स बिल्कुल ये नहीं कि खुले हैं कि भाई चलो अब तो मैंने एग्जाम पास कर लिया, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लिया, मेरे को मिल गई मेंबरशिप सर्टिफिकेट, टाटा टाटा बाय बाय, मैं जिंदगी भर जो मर्जी करूं मेरे पे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हर प्रोफेशनल के ऊपर जो उसकी बॉडी है वो सारी जिंदगी उस पर कंट्रोल रखती है। इसीलिए इसमें आमतौर पर सभी में एनुअल मेंबरशिप फीस होती है, एनुअल इनके सेमिनार अटेंड करने की कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है,
और वो टाइम एंड अगेन ये लोग मिलते भी हैं सभी प्रोफेशनल्स, और अगर कोई कंप्लेंट करे उनका कोई भी कस्टमर कह लो क्लाइंट कह लो, तो बाकायदा जो एसोसिएशन है उसके पास ये राइट होता है कि वो उस प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके, और जैसे मैंने कहा मेन उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का यही है कि सर्विस मोटिव बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक रीजनेबल फीस चार्ज करते हैं। इमेजिन करके देखिए कि एक आदमी एडवोकेट है, किसी ने मर्डर किया है, मर्डर किया या नहीं किया मान लेते हैं, उस पर मर्डर का चार्ज है, उसने अब एक एडवोकेट हायर किया, अब उसको तो पता है कि भाई ये तो फंसने वाला है, इसको तो फांसी लगनी है, तो हो सकता है वो कहे जी मैं तो 1 करोड़ रुपये फीस लूँगा, आदमी फंसा हुआ क्या ना करता। लेकिन एक प्रोफेशनल की ये ड्यूटी नहीं है, वो उसकी जो भी फीस है वो उसको एक रीजनेबल फीस चार्ज करेगा, उसकी मुसीबत का फ़ायदा नहीं उठाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ये नहीं सोचेगा इसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है तो चलो इससे मोटी फीस वसूल ली जाए। डॉक्टर भी ये नहीं सोचेगा कि भैया तो मरने वाला है, इसको बोलता हूँ कि भैया अब तेरा तो ये बंदा मरने वाला है, सारी घर के अंदर जितने भी जेवर हैं पैसे हैं सब दे जा तभी बचाऊंगा, नहीं। एटलीस्ट हो सकता है आप कहें सर रियल लाइफ में तो, अब कुछ लोग हो सकता है एक्सेप्शनली ऐसा करते हो, लेकिन एक प्रोफेशनल से यही एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने क्लाइंट को हेल्प करे, सर्विंग एटीट्यूड हो। फीस तो वो लेगा आफ्टर ऑल, उसको भी अपना घर चलाना है, लेकिन एक रीजनेबल फीस लेनी बनती है। लूटना ठीक नहीं है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियोस जैसा मैंने पहले भी कहा होगा और देखना चाहते हैं तो nishulkshiksha.com, ये जो लेफ्ट पर आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा बार पे, तो nishulkshiksha.com जो है आप इस पे जाके मेरी सभी वीडियोस फ्री देख सकते हैं। हाँ, अगर आप एक नॉमिनल पेमेंट करते हैं तो हम ई शिक्षा करके एक प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें फिर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जाएंगी और उनको व्हाट्सएप पर कुछ ऑडियो क्लिप्स, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ कॉमर्स से रिलेटेड और बहुत कुछ और भी इसमें हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे पाएंगे जो स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर होते हैं ई शिक्षा के लिए, यानी जो फेस टू फेस क्लासेस नहीं पढ़ सकते लेकिन वीडियोज़ के थ्रू एंड अदर हेल्प्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए nishulkshiksha.com पे है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप इजीली उनसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।